हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल कैरियर प्लस। आज हम बात करेंगे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, उसकी ट्रिक देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले वही ट्रिक अपनाएंगे कि सेंटेंस में क्या चीज़ है, थे लगा हुआ है ना। ये सेंटेंस थे लगा हुआ है, सीधी सी बात, सेंटेंस हमारे पास्ट में। मोस्टली जो स्टोरी बनाई जाती है वो पास्ट के सेंटेंस में होती है। स्टोरी का मतलब क्या होता है कि जो बीत चुका है, ठीक है। तो हम स्टोरी ज़्यादातर पास्ट के सेंटेंस में बनाते हैं। 99% स्टोरी पास्ट के सेंटेंस बनती है। देखते हैं इसमें कि एक जंगल में दो बैल रहते थे। अब सेंटेंस क्या है, एक जंगल में दो बैल रहते थे। ये सेंटेंस किससे बनेगा, ये सेंटेंस हमारा जो है, एक जंगल में, जैसे एक जंगल में शेर रहता था, तो हम सेंटेंस किससे बनाते, देर से बनाते हैं। ऐसे ही इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हम देयर से यूज़ करेंगे। मैं कहूँगा मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो कैसे बनाएंगे, देयर आर 30 स्टूडेंट इन माई क्लास। तो सीधी सी बात है, एक जंगल दो बैल थे, चार बैल थे, दस बैल थे, हमें नहीं पता, तो हम जो है देयर का यूज़ करेंगे। आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम देयर वर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर देयर वर टू, टी डब्ल्यू टू वर्ल्स, वी यू डबल एल ओ सी के एस वर्ल्स, इन आ फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी, ठीक है। ये हमने कैसे बनाया, इसमें पहला हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर इसके बाद पहला सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी ये हो गई, हमारी ये इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इन इसमें हो गया अदर वर्ब, ठीक है। इसका वे घनिष्ठ मित्र थे, तो वे इंग्लिश क्या होती है, वे इंग्लिश क्या होती है, दे, तो हम लगा देंगे यहाँ पे, हम दे लगा देंगे, दे लगा दिया हमने यहाँ पे, दे है ना। इसके बाद थे की इंग्लिश क्या होती है, वर, दे वर, वे थे, क्या थे, घनिष्ठ को हम क्लोज फ्रेंड भी कहते हैं, फास्ट फ्रेंड भी कहते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फास्ट फ्रेंड, ठीक है, एफ आर आई ई एन डी एस, फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा देंगे। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, वे सदा साथ रहते थे, सेंटेंस हमारा ये भी पास्ट के अंतर्गत आता है, तो हम इसको भी जो है कैसे बनाते हैं उसको हम समझते हैं ध्यानपूर्वक। इसमें हम क्या करेंगे, तथा एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे, पहले ही बनाएंगे वाला सेंटेंस, वे साथ रहते थे। तो पहले हमने एक बार हमने आपको ट्रिक बताई है, पहले हम तुरंत ये लिखते हैं और फिर पीछे से आके जो है इस तरीके से जो है इस तरीके से क्रम जैसे हम चलते रहते हैं ये, ठीक है। वीडियो के अंदर हम देखते हैं कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो हम करेंगे कि दे, इससे हम तो बनाएंगे स्टोरी में, दे वे लगा दिया हमने, यहाँ लगा देंगे दे आलवेज, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, दे आलवेज कैप्ट, के ई पी टी कैप्ट, कंपनी सी ओ एम पी ए एन वाई कंपनी, एंड हमने एंड लगा दिया, एंड वर डब्ल्यू ई आर वर, एंड वर आलवेज ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ठीक है, यहाँ लगा दिया हमने आलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी आर ई ए डी वाई रेडी टू हेल्प, यहाँ रखेंगे टू हेल्प, हेल्प एच ई एल पी हेल्प है ना, टू हेल्प लगा देंगे, इसका लगेंगे ईच अदर, ईच अदर है ना। तो हमारे स्टोरी कहाँ तक हो गई, एक दूसरे की तैयार रहते सहायता करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, तथा एक दूसरे की सहायता करने की तैयार रहते थे, दे ऑलवेज कैप्ट कंपनी में साथ साथ रहते थे, एंड वर ऑलवेज के रेडी टू हेल्प ईच अदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है मतलब ईच अदर हो गया है ना, रेडी टू हेल्प ईच अदर, ठीक है। अब लिखेंगे इवन, इतने में क्या मतलब शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था, तो हम शेर के लिखेंगे पहले लिखेंगे इवन, ई ई वी ई एन है ना, इवन आ लॉइन एल आई वन आ लॉइन डिड, यहाँ लिखेंगे डिड नॉट नॉट डेयर डी ए आर ई डेयर, फिर लिखेंगे आक्रमण क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, इसकी अटैक है ना, ए डबल टी ए सी के, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अटैक, अटैक किस पर आक्रमण करने डरते थे, दैम उन पर करने से आक्रमण करने से डरते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस क्या था, इन पर, तो हमने ये सब्जेक्ट पर पहले लिखा, सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दी, फिर ये हमारी वर्ब आ गई अटैक्ड है ना। अगर आप चाहो वर्ब याद करने की वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हो जाता है। और जो है आप देखेंगे अगला डैम हो गया। अब देखेंगे एक बार उसने सोचा यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूँ, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बार की क्या होती है, वंस होती है, यहाँ लिखेंगे ओ एन सी ई वंस लिख दिया वंस, फिर लिखेंगे यहाँ पे ही वंस ही, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम जो है वंस लगा दिया। अब वंस के बाद देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको, वंस के बाद यहाँ लिखेंगे हम ही वंस ही थ्रो टी एच ओ यू जी एस टी थॉट, फिर लिखेंगे इफ ही कुड
CULD could separate 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 them, ठीक है। मतलब क्या है, उन्होंने कहा था यदि मैं इन सबको अलग कर दूँ ना तो इनमें से एक को मार दूंगा, सीधी सी बात है। तो हो गया ये इस तरीके से ही कुड सेपरेट टैम। इसके बाद देखेंगे यदि मैं इनमें से अलग इन दोनों अलग कर दूँ तो मैं इनमें से एक को मार सकूँगा, है ना। इसने सोचा फिर जो है इसको हम कैसे करेंगे कि अटैक डैम हो गया है ना, इसके बाद हम जो है वंस हमें लगा दिया। वंस किसके लिए होती है, एक बार ही थॉट लगा दिया। इसके बाद लगे इफ़ ही कुड सेपरेट डैम, ठीक है। इसके बाद ही लगेंगे ही माइट MIGST, ठीक है। ही माइट, इसके बाद लगेंगे किल, किल का लगेंगे वन ऑफ डैम, ठीक है। स्टोरी वही है कि फिर वो एक कह के कान में कह देता है कि मतलब आप सूखी घास खाते हो, उसको जो पे हरी घास खिलाते हो, तो ये अलग अलग करके दोनों अलग कर देता है, फिर लास्ट में कहानी मार देता है। तो ये हमारी स्टोरी थी, है ना। तो इस तरीके की स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।